सत्याकाल तुसी देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी खबरों की शुरुआत इस खबर तो। सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच शामिल गैंगस्टर लोरेंस बिश्नोई नूं अज फिर तो जलंधर की कोर्ट के पेश किया गया। दस दिए कि जलंधर की अदालत ने पुलिस नूं हथियार अते नशा तस्करी के मामले के विच लोरेंस का 31 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड दिता सी। अज म्याद पूरी होण मगरों उसनूं दुबारा कोर्ट के पेश किया गया। इत्थे अदालत ने 14 दिन लई न्यायिक हिरासत जुडिशियल जेल भेजन का हुक्म सुनाया है। हुण बिश्नोई नूं 14 नवंबर नूं अमृतसर तो जलंधर की अदालत के पेश किया जाएगा। दस दिए कि अज उन्हां नूं अमृतसर की पुलिस वल्लों रिमांड ते लिया गया। गैंगस्टर लोरेंस बिश्नोई नूं अज अमृतसर कोर्ट दे विच पेश कीता गया, जिथों अदालत ने उसनूं 5 दिनां दे रिमांड दे उपर भेज दित्ता है। दस दिए कि इस तों पहलां जलंधर पुलिस की गिरफ्त दे विच सी लोरेंस बिश्नोई, जिसके कोलों वख-वख मामलों दे विच पुछगिछ की गई है। ते अज अमृतसर पुलिस जलंधर तों लोरेंस बिश्नोई नूं ट्रांजिट रिमांड दे उपर लैके गई सी, जिसके बाद अमृतसर कोर्ट दे विच उसनूं पेश कीता गया है। ते उत्थों 5 दिनां दा रिमांड अमृतसर पुलिस ने हासिल कीता है। दस दिए कि सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दा मास्टरमाइंड है लोरेंस बिश्नोई, जिसनूं पंजाब पुलिस दिल्ली पंजाब लेके आई सी। उसके बाद वख-वख जिलों की पुलिस उसका रिमांड लै रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मामले पंजाब भर के लोरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। तो उस के तहत ही उसके कोलों पुछगिछ की जा रही, इसके चलते जिथे पहला जलंधर पुलिस ने लोरेंस के कोलों पुछगिछ की, उसके बाद अज अमृतसर पुलिस के हवाले उसनों किया गया। तो हुण अमृतसर अदालत के पेश करके उसका 5 दिनों का रिमांड हासिल किया गया। सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह दे वल्लों पुत दी मौत ते इंसाफ ना मिलन दी सूरत दे विच देश छड्डन दे सरकार नूं दित्ते एक महीने दे अल्टीमेटम ते मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, जिन्हें भी इस कतलकांड दे विच शार्प शूटर अते मास्टर माइंड सन सारे नूं गिरफ्तार किया जा चुका है। इस तों इलावा हमलावरां दा साथ देण वाले मुलजमां नूं भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि परिवार नूं इंसाफ देण दे विच सरकार कोई कमी नहीं छड्ड रही, हर रोज़ कोई ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, जिसके खिलाफ भी कोई सबूत मिलता है उसनों तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। इंसाफ दे विच देरी करन दा सवाल ही पैदा नहीं होंदा। सिद्धू मूसेवाल के फादर ने कहा भी मतलब अल्टीमेटम दिता 25 नवंबर तक जो इंसाफ ना मिले तो भी वह देश छड़ देंगे, ये उत्ते अपना देखो मामला जिहड़ा असी बहुत संगीन मामला है। असी जिन्हें भी उत्थे हमला करन गए सी जां उन्हां दे जिहड़े नाल कनैक्टड जां उन्हां दे जिहड़े पिछे प्लैनिंग बनाउण वाले सी, उह सारे असी फड़ ले ने, चलान भी पेश करता है। ते एक दो कनेडा च ने, असी भारत सरकार नूं यह बेनती की है कि रैड कॉर्नर नोटिस जारी करके उन्हां नूं भी बुलाया जाए। सो साडे वल्लों कोई इस तरह की कमी नहीं हैगी कि असी किसी पक्ष तो इंसाफ देने दे विच असी कोई देरी कर रहे होइए। हर रोज़ कोई ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, कितों भी सानू कोई क्लू मिलता है असी उन्हें गिरफ्तार करते हैं। तो जल्दी जिहड़ा मामला जिहड़ा वो हल। मानहानी मामले दे विच लुधियाणा पेशी ते आए आम आदमी पार्टी दे सांसद संजय सिंह अकाली आगू बिक्रम मजीठिया ते जम के वरे। संजय सिंह ने कहा कि उन्हां बिक्रम सिंह मजीठिया बारे जो भी बोलिया बिल्कुल सच है अते उन्हां नूं यकीन है कि उन्हां नूं इंसाफ जरूर मिलेगा। दूजे पासे उन्हां गुजरात दे विच डिग्गे पुल दे विच होईयां मौतां ते भी दुख प्रगटाया। बिक्रम मजीठिया ने मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था, आप सबको मालूम होगा, और उसमें जब जब यहाँ पे तारीख लगी मैं कोर्ट के सामने हाजिर हुआ। आज भी उसी संबंध में न्यायालय ने मुझे बुलाया था, मैं हाजिर हुआ माननीय न्यायालय के समक्ष। अगली तारीख लगी है, मुझे न्याय में पूरा भरोसा है, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बिक्रम मजीठिया के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था, और सच कहने का अधिकार भारत का संविधान, भारत का कानून मुझे देता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, हमारे वकील साहिबान इस केस को मजबूती से लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे सबूत उनके खिलाफ सामने आए हैं, और जेल भी जाना पड़ा उनको, जमानत पर बाहर है, तो इसलिए ये कह देना कि वो किसी चीज़ से बरी हो गए, मुक्त हो गए, गलत होगा। और मेरे ऊपर जो केस उन्होंने किया डिफेमेशन का,
मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि विक्रम मजीठिया के खिलाफ जो कुछ भी मैंने बोला था वो सच बोला था, और सच बोलने का अधिकार भारत का संविधान, भारत का कानून मुझे देता है। मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। वकील साहबान हमारे मजबूती से इस केस को न्यायालय में लड़ रहे हैं, और आज भी जज साहब के सामने मैं हाजिर हुआ हूं, अगली तारीख 5 को पड़ी। मरहूम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहीदी दिन मौके पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कांग्रेस भवन के विखे इंदिरा गांधी को श्रद्धा के फुल भेंट किए। इस दे नाल ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पंजाब कांग्रेस की अहम मीटिंग हो रही है। दस दिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ा कुछ दिनों के विच पंजाब अंदर शुरू हो रहा है। असी पूरे देश भर के असी आपकी मरहूम लीडर नू श्रद्धा के फुल भेंट करते हैं, हमेशा की तरह अज भी असी श्रद्धा के फुल भेंट किए। अज भारत जोड़ो यात्रा में लैके भी एक मीटिंग कर जा रहे हो, की कुछ प्लैनिंग है पंजाब के विच, किन्ने दिन यात्रा रहेगी, की प्रबंध रहेगा? भारत जोड़ो यात्रा ने एक नवा रूप लै रहा है पूरे देश भर के, असी हुण तेलंगाना दे विच जाके आए हैं, पहला केरला दे विच भी गए सी। पूरे देश भर दे विच अज भारत जोड़ो यात्रा दीआं चर्चावां हो रही हैं। अज शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी बयान आया कि आने वाले समय च सानूं उम्मीद है जिस प्रकार की छवि साढ़े लीडर राहुल गांधी जी दे वास्ते तमाम बीजेपी दे जां ओपोजिशन पार्टीज़ दे लोगों ने सोशल मीडिया दे राहीं आपदे पेड लोगों दे राहीं वो छवि बनाई सी, उन्हों राहुल गांधी ने दूर करता। आज देश का हर व्यक्ति चाहे वह साड़ी पार्टी नाल है चाहे नहीं है, वो ये महसूस कर रहा है कि 60 दिन की इस यात्रा दे विच सुबह तकरीबन 5:30 बजे रोजाना चलना और 25-26 किलोमीटर चलना और एक साधारण व्यक्ति की तरह उस टेंट दे विच रहना, लोगों नाल रहना, लोगों नू मिलना, किसानों नू मिलना, सो एक अजीब किस्म की मतलब कि लोगों के मन के एक भावना जुड़ी है कि ये राहुल गांधी उही है जिहदे बारे कहा जाता सी राहुल गांधी जी आलसी ने, राहुल गांधी जी ने सीरीयस नहीं है, क्योंकि इन्नी वड्डी यात्रा मेरे ख्याल तकरीबन ये 350 का टीचा सीगा, लेकिन लगभग जिन्हों ये कंप्लीट होगी 4000 किलोमीटर का टीचा हो जाएगा, और पंजाब दे विच तकरीबन सानू उम्मीद है कि 13 दिन यात्रा रहेगी, क्योंकि हजे शड्यूल हजे काफ़ी असी पिछे हैं, इस तो बाद महाराष्ट्र जाना है। सो 13 दिन यात्रा पंजाब च रहेगी, और मेरा ख्याल एरे प्रति पंजाब दे नौजवान, पंजाब दे लोग, पंजाब दे किसान, तमाम साथी कांग्रेस पार्टी दे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं कि कद ये यात्रा इत्थे आएगी। जनवरी दे महीने च मैनू उम्मीद है कि यात्रा साढ़े आएगी, ठंड का मौसम भी होएगा, लेकिन असी तमाम इस यात्रा दे असी चाहवांगे कि तमाम वर्गों के लोगों, क्योंकि भारत जोड़ो एरा नारा ही है ना केवल कांग्रेस के लिए ज ना केवल कांग्रेस के वर्करों लिए, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं, राजनीतिक पार्टियां ने जिस प्रकार का इस देश का सियासीकरण किया है उन्होंने खिलाफ, और तमाम जी बेरोज़गारी वधी बेरोज़गारी है, होर वधदा क्राइम है, नशियां के खिलाफ, ये तमाम चीज़ों नू लेके असी चले हाँ। सो मैनू पूर्ण उम्मीद है कि वख-वख लोगों के नाल ये अट्रैक्शन प्रोग्राम भी रहेगा राहुल जी का उस यात्रा के। खन्ना के पिंड हलाल तो एक बहुत ही हैरानीजनक मामला सामने आया जिथे एक कुत्ते पिछे हुई लड़ाई दे विच पुलिस मुलाजम नू मौत दे घाट उतार दिता गया। दसिया जा रहा है कि जिस पिंड दे विच पुलिस मुलाजम रहिंदा सी उसे पिंड दे 3 व्यक्तियों ने कार दे विच आउंदे समय उसते हमला कर दिता है, जिस तो बाद उन्हां नू हस्पताल ले जाया गया जिथे देर शाम उन्हां दी मौत हो गई है। मृतक पुलिस मुलाजम की पछाण सुखविंदर सिंह वजो हुई है। कुत्तियां कारण सुखविंदर की मुलाजमान नाल पहला भी बहस हो चुकी है। इस तो बाद जो शाम नू घर आ रहा सी तां उसनू रोक के तेज धार हथियारां दे नाल हमला किया गया। DSP विलियम जेशी ने दस्सिया कि मुलजमान दे विचों एक नू गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 2 मुलजमान की भाल कीती जा रही है। लुधियाना जिला के खन्ना के एक पुलिस मुलाजम को मौत के घाट उतार दिता गया। खन्ना के पिंड हलाल में एक पुलिस मुलाजम की बुरी तरह नाल कुटमार की गई, जिस तो बाद उसको हस्पताल ले जाया गया जिथे देर शाम उसकी मौत हो गई। दसा जा रहा है कि जिस पिंड च पुलिस मुलाजम रहिंदा सी उसे पिंड के 3 लोगों ने कार चलाते समय उस पर हमला कर दिता गया। मृतक की पहचान सुखविंदर सिंह वजो हुई है। दसा जा रहा है कि हमला करने वाले लोग पालतू कुत्ते पाल रहे हैं। कुत्तिया कारण सुखविंदर की मुलजमान नाल पहला भी बहस हो चुकी सी।
इस तो बाद जो सुखविंदर शाम को कार राही आ रहा सी तां उन्होंने उस उपर हमला कर दिता ते तेजधार हथियारों के नाल उसनू कतल कर दिता। उत ही जानकारी दें डीएसपी विलियम जैजी ने दसिया कि मुलजमान विचों अवतार सिंह नू गिरफ्तार कर लिया गया जबकि दो मुलजम सुखचैन सिंह ते गुरविंदर सिंह की तलाश जारी है। पुलिस ने लाश नू कब्जे विच लैके मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मुलाजम दी डेथ हुई ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀ। ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ ਸੀ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 307 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਨਾਲ 302 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ IG ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਚੀਫ IG ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਦੇ ਚੀਫ IG ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ SIT ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ IG ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ 100% ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ RPG ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਦਬਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰ ਕੇ ਚੁਣਾਵੋਂ ਮੇਂ ਕਿਆ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਮੇਂ ਮੁੱਦੇ ਯਹੀ ਕਿ ਕਾਮ ਚਾਹੀਏ, ਹਮੇਂ ਤੋ ਕਾਮ ਚਾਹੀਏ, ਜੋ ਕਾਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸੀ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ। क्षेत्र में अब तक कितना विकास कार्य हुआ है,
क्या ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप चाह रहे हैं कि जो आने वाला प्रत्याशी हो उन पर काम करें? देखो, आज तक जो हमारे पहले प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, गोविंद सिंह ठाकुर जी, काम किए हैं उन्होंने। तो जैसे हमारे एरिए में पतलीकुल में है, काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। जैसे हॉस्पिटल बना है और फायर ब्रिगेड जो है वो यहाँ कटराई में है, और बस स्टैंड का उन्होंने जो है वो उद्घाटन किया हुआ है। तो ऐसे ऐसे और भी कार्य है, जो सड़क वगैरह बनी है, काम किए हैं उन्होंने, काम किए हैं, बहुत काम। क्या उम्मीद है कि नए ऐसे कौन से काम है जिनकी आपको उम्मीद है कि जो आने वाला प्रत्याशी होगा उन कामों को पूरा करे? जनता क्या सोचती है? हमारी नज़र में तो ये है, जो पिछले प्रत्याशी ने कोई अधूरे काम छोड़े हैं वो अगला प्रत्याशी जो भी जीते वो पूरे करे। जैसे हमारे पतलीकुल का बस अड्डा है मेन, ठीक है जी। आपकी क्या राय है इन चुनावों को लेकर? हमारी तो यही राय है, जो इन्होंने प्रॉमिस किया, जैसे हॉस्पिटल का किया है यहाँ पे पतलीकुल पे, वो बन जाए, एजुकेशन सिस्टम सही हो जाए, बस यही है। किन मुद्दों को, इन मुद्दों को मध्य, स्थानीय मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आप इस बार अपने वोटाधिकार का प्रयोग करने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो इन्होंने प्रॉमिस किया, जैसे बीजेपी वालों ने प्रॉमिस किया कि हॉस्पिटल बनेगा और एजुकेशन सिस्टम, इस पर ही है मुद्दा, यही है। स्थानीय मुद्दे इस बार चुनावों में ज़्यादा अहम रहने वाले हैं, या फिर जो राज्य स्तर पर, या फिर जो एक मोदी फैक्टर की लहर थी, क्या वो भी यहाँ पर एक अहम मुद्दा रहेगी या उसका भी असर दिखेगा? नहीं, ऐसा तो कोई असर नहीं है, पर स्थानीय जो मुद्दे हैं हमारे अपने, वही इस पर अमल करेंगे आगे जाकर। ऐसा हूं तक दे कुछ खास खबर, तेरे जानकारी लिए जुड़े रहो सवेरा टीवी के नाल, जानते जानते नजर राज्य दियां मुख खबरां ते। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मुड़ जलंधर की अदालत के पेश, 14 दिनों के लिए भेजे न्यायिक हिरासत के। सिद्धू मूसेवाला के पिता के वालों देश छड्डन के अल्टीमेटम से मुख्यमंत्री भगवंत मान का वड्डा बयान। लुधियाना पेशी से आए सांसद संजय सिंह, कहा मजीठिया बारे जो भी बोलिया बिल्कुल सच, मैनू मिलेगा इंसाफ। मूसेवाला कतल मामले के बनी SIT चीफ IG जसकरण सिंह पहुंचे पिंड मूसा परिवार के नाल की मुलाकात।